चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। आखिरकार आज पूरे भारत के साथ साथ नेपाल के बॉक्स ऑफिस पर भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लल्लादव निरहुआ की फिल्म शेर हिंदुस्तान ने रिलीज कर दिया गया और फिल्म रिलीज होते ही भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पांस मिला है। जी हां, करीब 700 से ज्यादा सिनेमाघरों में शेर हिंदुस्तान को रिलीज किया गया और सभी सिनेमाघरों में फिल्म को करीब 90% की जबरदस्त ओपनिंग मिली है। फिल्म के ओपनिंग होने से भोजपुरिया दर्शकों में काफी ज्यादा खुशी की लहर है। आपको बता दें कि जहां शेर हिंदुस्तान में निरहुआ का बिल्कुल देशभक्ति अंदाज दर्शाया गया है वो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। खास करके निरहुआ के दमदार डायलॉग यानी कि देशभक्ति पर दमदार डायलॉग पर सिनेमाघरों में निरहुआ के फैंस जमकर सीटी बजाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं निरहुआ पहली बार नेपाली अभिनेत्री आयुष रिजाल और नीता दुंगाना के साथ जोरदार रोमांस करते हुए नजर आते हैं जो दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करता है। तो वहीं नेपाल के खूबसूरत वादियों में निरहुआ का जोरदार एक्शन पैक सीन फिल्माया गया है जो दर्शकों को काफी ज्यादा फिल्म में पसंद आ रहा है। कुल मिला के कहा जाए तो निरहुआ का शेर हिंदुस्तान भोजप्रिया दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। फिल्म में विलन के अवतार में नजर आने वाले नेपाली एक्टर सुनील थापा और संतोष पहलवान का किरदार भोजप्रिया दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। यह फिल्म भारत के साथ साथ नेपाल के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक निरहुआ की धमाकेदार फिल्म शेर हिंदुस्तान नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जरूर देखें। शेर हिंदुस्तान में निरहुआ के साथ आयुष रिजाल, नीता डुगाना, सुनील थापा, सुशील सिंह, संतोष पहलवान जैसे मजे हुए कलाकार सभी का अभिनय काबिले तारीफ है और सभी की अभिनय की सभी लोग प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं।